कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कैसा लगा सुनकर आपको? कैसा लगेगा अगर हम आपको कहेंगे कि यहाँ भारत की बात की जा रही है? ज़रा सोचिए, किसी बीमारी का स्तर पर होना कि इतना बड़ा देश उसकी कैपिटल बन जाए, वह भी तब जब मोतियाबिंद का इलाज मौजूद हो। भारत में 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख लोग दोनों आंखों से नेत्रहीन हैं। हर साल मोतियाबिंद के 20 लाख नए मामले सामने आते हैं। हमारे देश में 62.6% नेत्रहीनता का कारण मोतियाबिंद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2003 से भारत में मोतियाबिंद के कारण होने वाली नेत्रहीनता में 25% की कमी आई है। लेकिन क्या जागरूकता उस स्तर पर है कि इसे शून्य किया जा सके? कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में आज भी है कि मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद क्यों होता है, मोतियाबिंद का इलाज क्या है, मोतियाबिंद की सर्जरी कैसे होती है। इसी तरह के हर सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर पुष्पराज सिंह से, जो है MBBS MS FAECS FICO ऑप्थेल्मोलॉजी, क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड लैसिक सर्जरी। नमस्कार, आप देख रहे हो इंडियन न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। यहाँ पर हम आपको रूबरू कराते हैं, रोगों से जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर पुष्पराज सिंह। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे हमारी आँखों के बारे में। आँखें जिससे हम दुनिया के सारे नज़ारे देखते हैं, अगर उनमें कोई तकलीफ होती है तो सारी दुनिया हमारे लिए काली पड़ जाती है। आंखों से जुड़ी एक ऐसी ही बीमारी है मोतियाबिंद। सर, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी भाषा में मोतियाबिंद का असली अर्थ क्या है। मोतियाबिंद आंखों में हमारे लेंस के अंदर एक लेंस होता है, उस लेंस में दुधियापन या ओपेकनेस के कारण जो होने वाली चेंजेज हैं उसको हम लोग आम भाषा में मोतियाबिंद कहते हैं। सर, ये तो आपने बताया कि मोतियाबिंद होता क्या है, तो इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, तो उन्हें उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मोतियाबिंद मुख्यतः एज से होने वाले या उम्र के से जो भी उम्र का जो तकाजा होता है उसके जो बदलाव होते हैं लेंसेज में, मुख्य कारण वो है। ज़्यादातर ऐसे मरीज 55 से या उसके ऊपर होते हैं, लेकिन कई और भी कारण होते हैं, जैसे कभी किसी को तेज चोट लग जाती है आँखों में, वो भी एक बहुत मुख्यतः कारण है। इसके अलावा कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं जैसे कि स्टेरॉयड मेडिसिन, किसी भी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं या किसी लंग के पेशेंट हैं, तो जो व्यक्ति इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं उनमें भी जो है ये मोतियाबिंद होने का खतरा ज़्यादा रहता है। या जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, जो सिगरेट का सेवन ज़्यादा करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी मोतियाबिंद होने का खतरा ज़्यादा रहता है। कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं उनमें भी मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है। कभी कभी बच्चों में प्राइमरी कंजेंटल कैटरैक्ट भी हो सकता है, जो कि एक यही सब कारण है मोतियाबिंद होने के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी के पीछे कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण हमें पहले से दिखने लग जाते हैं, तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं मोतियाबिंद के जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? मोतियाबिंद का मुख्य लक्षण आँखों की रोशनी कम होना है, लेकिन कई कई बार मरीजों को रात में चकाचौंध होना या कभी दो चार चंद्रमा दिखाई देना या कभी कभी किसी को सतरंगी जैसे दिखने लगते हैं, तो ये सब मुख्य रूप से मोतियाबिंद के लक्षण हैं। ऐसा हो तो फिर डॉक्टर से परीक्षण कराएं अपना। सर, ये तो आपने बताया कि लक्षण और कारण क्या होते हैं, तो मोतियाबिंद वाली जो बीमारी है इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है? मोतियाबिंद से तो चूँकि मैंने पहले बताया कि ये एज से होने वाले बदलाव के कारण होता है, तो बचना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अपने जीवन उसमें ला कर के जो है बदलाव में ला करके जो है उससे बचा जा सकता है। बचा क्या, उसे बेसिकली उसको टाइम बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आप अपनी डाइट में विटामिन ए सी ओ से युक्त चीज़ें लें और अल्ट्रावायलेट रेस से बचें। अगर मधुमेह के रोगी हैं तो अपना मधुमेह जो है कंट्रोल रखें। अगर आप सिगरेट का सेवन करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम करें या बंद कर दें। सर, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मोतियाबिंद की बीमारी है उसका सही इलाज और उसका परीक्षण कैसे करना चाहिए, हमें कैसे पता चले कि हमें मोतियाबिंद हो गया है?
मोतियाबिंद, जैसे कि मैंने अपने लक्षणों के बारे में बताया, आपको आँखों में कुछ भी कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, धुआं जैसे दिखाई देता है और रात में चकाचौंध लगती है, तो क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट या क्वालिफाइड ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को जाके अपना दिखाएं, वही आपको बता सकते हैं मोतियाबिंद आपको है या नहीं है। और बेसिकली परीक्षण तो स्वतः परीक्षण तो बहुत नहीं हो पाएगा उसको, तो बेसिकली जो है जो भी क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है वही कर पाएंगे, तो बेटर है कि आप किसी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट से जो है उसकी जाँच कराएँ। मोतियाबिंद का सही इलाज तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि नहीं मोतियाबिंद दवाओं से ठीक हो जाता है, ऐसा क्लेम हमारी साइंस में तो नहीं है, खासकर एलोपैथी में, कि मोतियाबिंद का सही इलाज जो है ना, हाँ जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ अपने जीवन में बदलाव करके, जैसे मधुमेह है और सिगरेट का सेवन है, ये सब कम करके आप उसको जो है कम कर सकते हैं। सर, किसी भी इलाज के पीछे लोगों का एक मिथ होता है कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि आपने अभी बताया कि इसका सही इलाज ऑपरेशन कराना है, तो क्या इसके पीछे कुछ जोखिम या जटिलताएं होती हैं? हाँ, जैसे हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन में जटिलताएँ तो होती हैं और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन हाँ आज की जो आधुनिक पद्धति है उसमें जो है ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा उससे जुड़ी समस्याएँ हों। आप सही समय पे और सही समय पे सही अस्पताल में अगर इलाज करा लेते हैं तो उससे ऐसी कोई जटिलताएं होने का खतरा नहीं होता है। सर, आगे मैं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट्स हैं जिन्हें मोतियाबिंद है उन्हें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि मोतियाबिंद के मरीजों का जो कैसे हम उससे बचा तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ डाइट्स हैं, जैसे विटामिन ए से रिलेटेड जैसे हरी सब्जियाँ हैं और विटामिन सी से रिलेटेड जैसे संतरे हैं, सेब है या केले हैं जो विटामिन सी से युक्त होते हैं, उनका सेवन करें। साथ में जो है अल्ट्रावायलेट रेस से बचें क्योंकि काफ़ी खतर, जैसे आजकल बहुत तेज़ धूप है, आप एक अच्छा चश्मा काला जो कि जो है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेट प्रोटेक्टेड ग्लासेज हो वो यूज़ करें अपने साथ में। अगर कोई बीमारी है जैसे मधुमेह है और उसको कंट्रोल करें, और साथ में अगर सिगरेट का सेवन करते हैं वो थोड़ा सा बंद करें। सर, जैसे कि हम भारतीयों की प्रवृत्ति होती है कि हम किसी भी बीमारी के इलाज के पहले उसका घरेलू उपचार करने की कोशिश करते हैं, तो क्या मोतियाबिंद के पीछे भी कोई घरेलू उपचार है? मोतियाबिंद का घरेलू स्वतः उपचार तो बहुत संभव नहीं है कि उसका मेन इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे मैंने पहले बताया आप अपनी डाइट में जो है बदलाव करके, जीवन पर उसमें बदलाव करके ही आप जो है उसको थोड़ा सा बचा जा सकता है बस। सर, चलते चलते जो पेशेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मोतियाबिंद के मरीजों को मेरा यही सुझाव है कि जब भी उनको लगे धुंधला दिख रहा है, कुछ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखा के अपनी जाँच कराएँ। और एक बहुत मतलब जो हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि ऑपरेशन कब कराएं, तो एक बहुत पुरानी चर्चा चली आ रही है कि हाँ ऑपरेशन जो है जाड़े में कराना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी ऑपरेशन करा सकते हैं। आजकल आधुनिक मशीनें हैं, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर हैं, सब कुछ है, तो वो जो है आप कभी भी करा सकते हैं। दूसरा है कि पता कि पका मतलब जब मोतियाबिंद पकना हो तभी जो है ऑपरेशन करें, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो नई पद्धति है, फेको है, लेजर है, वो जो है जो भी मोतियाबिंद जल्दी आप करा लेंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से काम करती है। मोतियाबिंद जब पका रहता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो आप जल्दी से जल्द उसका, अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आप मोतियाबिंद पकने का इंतजार न करें, जल्दी से जल्दी उसका सर्जरी कराएं। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशन हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुष्पराज सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि मोतियाबिंद की बीमारी क्या है, उसमें सही डाइट क्या होती है, उसका सही इलाज क्या होता है, कौन से मिथ्स होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए उनके बारे में, कोई भी कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए प्रोग्राम में, किसी नए रोगी के साथ, किसी नए रोग के बारे में बात करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम हेल्थ लाइन। नमस्कार।